बजा दीजिए। उम्मीद है कि सब लोग जिसके पास भी भगवान दो हाथ दिए होंगे वो सभी लोग ताली बजाएंगे मोबाइल छोड़ के, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल है फिर भी ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग कसम खाइए कि आप लोग अपना बेटा बेटी का शादी बिना दहेज का करेंगे, कसम खाने के लिए तैयार है? अरे नहीं खाएंगे, सच्चाई ये है। 90% लोग नहीं खाएंगे कसम, क्योंकि ये सच्चाई है। वो लोग चाहते हैं कि 2-4, 10 लाख रुपया दू, 20 लाख रुपया दू, 25 लाख, 50 लाख रुपया दू, लेकिन मैं अपने से बड़ा घर में अपनी बेटी का शादी करूं। सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। तो दहेज देता कौन है? लोग कहता है कि लड़का गलत है, कहता है कि नहीं है? लड़का का घर वाला गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो दहेज दे के अपनी बेटी को बेच दे रहा है वो गलत है, है कि नहीं है? सही है कि? अब देखिए ताली नहीं बजा रहा है लोग, है कि सबको बेचना है आपकी अपनी बेटी को? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बिके नहीं, तो आप प्रण लीजिए, कसम खाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को उस काबिल बनाऊंगी जहां पे पहुंचने के बाद मेरी बेटी को 1 रुपया दहेज नहीं देना पड़े। कसम खाते हैं कि नहीं आप लोग? बताइए लोग। अब देखिए ताली थोड़ा कम बजा रहे लोग, क्योंकि ये लोग तय कर दिया होगा अपना अपना बेटी का शादी कि हाँ हम 25 लाख रुपया में लड़का बुक कर लिए हैं, हम 50 लाख रुपया में लड़का बुक कर लिए हैं, हम 15 लाख रुपया में लड़का बुक कर लिए हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो, तो प्रयास हमें खुद से करना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हम कहीं जाने तो बिहार के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, मतलब कि बिहार के विकास के ऊपर जरूर चर्चा करते हैं, लेकिन एक ही मिनट हम बोलेंगे, लेकिन जरूर बोलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार का भला हो, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि कौन से जाति के लोग हैं यहाँ पे, देखिए लोग आप लोग, इनका कोई जाति नहीं है, बस एक ही जाति है कि ये लोग गरीब परिवार से हैं। अगर ये लोग जिस भी जाति के हैं और इनके पिताजी विधायक होते तो शायद ये लोग यहाँ पे नहीं खड़े होते। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, चाहे जिस भी जाति के हो ये लोग, सभी लोग। तो जिसने ये दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बिहार, मैं सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में 29 राज्य है, 28 राज्य हो गया है, अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे समृद्ध राज्य बिहार है, लेकिन बिहार को हम लोगों ने जातिवाद के नाम पे बर्बाद कर दिया है। किया है कि नहीं किया है? कल आपका बच्चा खड़ा रहेगा यहाँ पे, आपके पास संसाधन की कमी रहेगी, पैसा की कमी रहेगी, तो आपका बच्चा खड़ा रहेगा, लेकिन किसी विधायक और सांसद का बच्चा खड़ा नहीं रहेगा। मैं इस देश के लगभग 25 राज्य में जा चुका हूँ, 25 राज्य में और 7-8 महीना में, कहीं नहीं देखता हूँ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को छोड़ के, ये 3 राज्य को छोड़ के कहीं नहीं देखता हूँ कि विधायक के पीछे स्कॉर्ट की गाड़ी चलती हो, पुलिस चलता है। कहे भाई विधायक के पीछे पुलिस की गाड़ी क्यों चलेगा? कहे कि विधायक को सुरक्षित करना जरूरी है। किसको सुरक्षित करना जरूरी है? विधायक को। हमारे जनता को सुरक्षित कौन करेगा? कौन करेगा? बिहार को आप इतना सुरक्षित कर दीजिए कि ना पुलिस स्कॉर्ट की जरूरत आपको पड़े और ना पुलिस स्कॉर्ट की जरूरत बिहार के लोगों को पड़े। ये प्रयास करना होगा। तो आइए थोड़ा बहुत प्रयास किया जाए और बिहार को बदला जाए। मैं औरंगाबाद में आया हूँ, कहीं नहीं तो कहीं थोड़ा सा तो बिहार जरूर बदल रहा है कि आज भी मेरा खपड़े का घर है, आज भी गांव में मेरा खपड़े का घर है और शहर में 6.5 फुट का मकान है, यानी 400 स्क्वायर फीट में 2 कमरे का घर है शहर में मेरा, यानी बेतिया शहर में 2 कमरे के घर में हम लोग रहते हैं और गांव में खपड़े का घर है। और वहां से एक लड़का उठ के आया यहाँ पे, तो एक बुढ़वा चाचा यहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा है उसकी बातों को। यही प्रयास करना होगा। और जब हम बिहार के लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, विधायक सांसद के बच्चों को नहीं बढ़ा के, उसी दिन हमारा बिहार बदल जाएगा। तो कर लीजिए आप लोग कि हम लोग अपने बच्चों को बढ़ाएंगे। किसके बच्चों को? अपने बच्चों को। और धरती पर खाली 2 गो जात होता है, 2 गो जात, 2 गो जात, कौन कौन जात होता है बताइए आप लोग?
अजी अजी हिंदू और मुसलमान आप बताइए कौन जात होता है? अजी सिर्फ दो ही जात होता है, कुछ लोग बोला है हिंदू मुस्लिम, कुछ लोग बोलते हैं औरत और मर्द। हम जानते हैं कि दूसरी को जात होता है, एक गरीब और एक अमीर। क्या बात है? गरीब और अमीर। अमीरों की संख्या जो है बिहार में 5% है। कितना परसेंट? 5%। तेजस्वी यादव का शादी होता है तो भाजपा कांग्रेस जदयू आरजेडी सब लोग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सुशील मोदी जी की बेटी का या बेटा का शादी होता है तो सब लोग जाते हैं। गिरिराज सिंह का होता है तो सब लोग जाते हैं। सीपी ठाकुर का होता है तो उनके बेटे का शादी होता है तो सब लोग जाते हैं। गरीब का बेटा का शादी होता है तो सारा विधायक सांसद आता है? सब नहीं आता है। सब का है कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है